हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन न्यू वीडियो। और भाई पता ही नहीं चला कब एक महीना हो गया इसको यूज करते हुए। तो अभी मैंने लगभग 22 सितंबर को ऑर्डर किया था और मेरे को लगभग 30 सितंबर के आसपास मेरे को मिल गया था। तो मेरे को लगभग अभी यूज करते हुए एक महीना हो चुका है। तो मैंने सोचा यार एक वीडियो लेकर आते हैं जिससे मैं आपके साथ एक्सपीरियंस अपना शेयर कर पाऊँ कि एक विंडो यूजर जैसे शिफ्ट होता है ना मैकबुक पे क्या क्या डिफरेंस देखने के लिए मिलती है। और मैंने अपने 7 ऐसे पॉइंट चुने हैं जो आपको मैंने बताना काफी उचित समझा, तो आपके साथ मैं वो शेयर करने वाला हूँ। और पॉइंट्स तो यार काफी सारे थे, मतलब क्या क्या शेयर करूँ। मैंने सोचा 7 ऐसे बेस्ट पॉइंट आपके साथ शेयर करते हैं जो आपको जानने ही चाहिए। लास्ट के तो 2 पॉइंट मैंने ऐसे रखे हैं कि मजा आ जाएगा आपको सुन के। तो भाई लास्ट तक वीडियो देखना। क्या करें भाई, यूट्यूब की एल्गोरिथम ही ऐसा है कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो हमको लास्ट में रखने पड़ते हैं, वरना भाई यूट्यूब आगे प्रमोट ही नहीं करता वीडियो। तो जब भी सभी लोग यहाँ पे लाइक शेयर सब्सक्राइब बोलते रहते हैं तो भाई क्या करें। तो आप लोग इतना समझदार हो कि आप लोगों ने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। तो चलो अब हम अपना वीडियो शुरू करते हैं और आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहे। तो भाई यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आ जाता है कॉम्पैक्ट साइज। और अभी मैं यहाँ पे साथ में एक विंडोज का मेरे पास लैपटॉप है डेल का, और मतलब लगभग उसको 5-6 साल पुराना है। वो कंपैरिजन करने वाले, वैसे कंपैरिजन का यहाँ पे कोई मैटर होता नहीं, लेकिन फिर भी कंपैरिजन करते हैं यार। मैं अभी तक वो यूज कर रहा था ना, तो कंपैरिजन उसी के साथ करते हैं। साइज देखते हैं कितना डिफरेंस हम लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, साथ में वेट भी करके देखने वाले हैं। चलो तो ये है भाई मेरा वो डेल का लैपटॉप जो काफ़ी पुराना है, और ये है मेरा पीसी जो मैं काफ़ी यूज कर रहा हूँ एडिटिंग के लिए। लेकिन अभी यहाँ पे ऐड हो चुका है एक मैकबुक, आप लोग देख सकते हैं भाई कितना पतला सा है, कितना छोटा सा लग रहा है इसके सामने, कितना डिफरेंस हम लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। और हम लोग अगर इसका सामने की साइड से देखें तो आप लोग भाई डिफरेंस देख ही सकते हैं। यहाँ पे आप स्क्रीन में भी देखोगे ना, ये जो स्क्रीन है और इसका स्क्रीन है भाई कितना पतला सा है भाई, ये डिफरेंस मेरे को काफ़ी खतरनाक लग रहा है। इतना पतला सा स्क्रीन है यहाँ पे, और भाई साइज़ तो आप लोग देख ही सकते हैं। इसको एक बार इसके ऊपर रख के देखते हैं, वैसे साइज़ तो वो बड़ा भी आता है इसका, लेकिन फिर भी यार अलग डिफरेंस है यहाँ पे एक तरीके से, स्क्रीन का जो मेन डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है। तो भाई आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छा डिफरेंस यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग यार एक वेट मशीन भी लेके आ चुके हैं, यहाँ पे इसको ऑन कर देते हैं। तो अभी हम लोग दोनों लैपटॉप का यहाँ पे वेट करने वाले हैं, देखते हैं क्या डिफरेंस हम लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। भाई मशीन भी लोड मान गई है पूरा। तो यहाँ पे हम लोगों को 2400 ग्राम देखने के लिए मिलता है, मतलब 2 किलो 400 ग्राम हम लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, जो कि डेल लैपटॉप में है। काफ़ी बड़ा सा है भाई, इसको हटाते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग अपना मैकबुक लेके आ सकते, प्यारी सी मैकबुक, यहाँ पे इसको देखते हैं इसमें कितना वजन देखने के लिए मिलता है। भाई ये तो इतनी आराम से रखी जाएगी ना, इस पर कोई मशीन हिलने भी नहीं वाली। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसमें 1375 ग्राम यहाँ पे हम लोगों को इसमें वेट देखने के लिए मिल रहा है, केवल यार 1 किलो 300 ग्राम, मतलब पूरा 1 किलो का डिफरेंस हम लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। मतलब आप लोग कहीं ट्रेवल करना चाहते हो तो यार कितना ईजिली इसके साथ कॉम्पैक्ट साइज के साथ आप लोग आराम से ट्रेवल कर सकते हो। 16 इंच का आता है, जो 14 इंच का आता है वो भी इतना, मतलब उनमें भी इतना वजन नहीं होता, बस स्क्रीन साइज थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन ये वाला कॉम्पैक्ट साइज के हिसाब से 13 इंच में काफ़ी मस्त मैकबुक है, काफ़ी प्यारा है, काफ़ी छोटा है, काफ़ी मज़ा आता है। मतलब आप लोग ट्रेवल करते हो तो पता भी नहीं चलता कि आपके पास मैकबुक है यहाँ पे। भाई यहाँ पे सेकंड पॉइंट आ जाता है कीबोर्ड बटन कन्फ्यूजन। इतना कन्फ्यूजन होता है भाई, कॉपी की जगह पेस्ट होता है, पेस्ट की जगह कॉपी होता है, पता नहीं क्या क्या होता है। और अभी तक तो मेरे को, अभी तक एक महीना हो गया यूज करते हुए, काफ़ी चीज़ें तो फिर भी समझ में आ गई, लेकिन अभी तक मेरे को कंट्रोल और ऑप्शन में डिफरेंस नहीं पता चला इसमें से ओल्ड कौन सा। भाई आप लोगों को पता हो तो आप लोग कमेंट करना, मेरे को भाई अभी तक भी याद नहीं रहता कि कंट्रोल ऑप्शन में से ओल्ड कौन सा है। अभी कमांड का तो फिर भी पता चल गया कि कंट्रोल है, और शिफ्ट तो भाई अपना शिफ्ट ही है। बाकी कीबोर्ड बहुत अच्छा है, टाइपिंग करते हुए बहुत मज़ा आता है, ऐसे लगता है जैसे काफ़ी फास्ट टाइपिंग हो रही है। लेकिन वो इसका कुछ ऐसा बटन के साथ ऐसा रिलेशन है कि वो लगता है ऐसा, लेकिन फास्ट टाइपिंग नहीं होता वो, लेकिन फील ऐसा आता है कि आप लोग काफ़ी फास्ट टाइप कर रहे हो। थर्ड पॉइंट यहाँ पर आ जाता है स्क्रीन LED ओपनिंग। मैं आपको अपनी एक कहानी बताता हूँ भाई, काफ़ी मस्त सी। जैसे कि आप लोगों को पता है मेरे पास PC है, और मेरा जैसे कुछ 5 मिनट बाद मेरे को किसी से मीटिंग करना है, तो मेरे को लगभग 2-3 मिनट एक्स्ट्रा बोल के चलना पड़ता था कि जैसे मेरा PC ओपन होगा मैं ऊपर आऊँगा, मतलब काफ़ी टाइम लग जाता। मतलब 5 मिनट आप लोग मान के चलो कि 5 मिनट बाद मेरे को मीटिंग करना है, तो 5 मिनट वो टाइम है केवल PC ओपन करने का या फिर ऊपर आने का, मतलब PC पे बैठने का, तो 5 मिनट भाई टाइम उसमें लग जाता है। लेकिन मैं इसका आपको दिखाता हूँ,
कितना टाइम लगता है। अब ये बंद है आराम से और मेरे को मीटिंग करना है। नो भाई, तो लगभग आप 5 सेकंड बाद भाई मीटिंग शुरू कर सकते हो। लोग भी मिलता है तो वो मैं आपको भी दिखाऊंगा, जैसे फिंगरप्रिंट यूज करता है वो भी काफ़ी फास्ट है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अभी आप जैसे यहाँ पे इसको ओपन कर दे भाई, बंद ओपन बंद ओपन। रीस्टार्ट भी करोगे ना भाई इसको, ज़्यादातर वैसे मैक को कोई शट डाउन करता नहीं है ज़्यादातर, लेकिन आप इसको शट डाउन भी करोगे तो काफ़ी जल्दी ओपन हो जाता है। मतलब आप मैक्स टू मैक्स 1 मिनट बाद मीटिंग स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन यार ये इसका इतना फास्ट है ना, इसका जैसे ही आपने LED ओपन किया तो इसका लाइट यहाँ पे ओपन हो जाता है, बिल्कुल वहीं जहाँ पे आप वर्क कर रहे थे आप लोग वहाँ पे वर्क कर सकते हो। और जैसे ये यहाँ पे बंद है ना, इसका बैटरी भी मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे आपने बंद कर रखा है तो ये बंद नहीं है, मतलब बैटरी भी आपको पूरा मिलेगा। आपने जब मान लें 72 पे छोड़ा, आपने पूरी रात इसको ऐसा छोड़ दिया, मैक्स टू मैक्स 1% घट सकता है, 71 मिल सकता है आपको, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं घटेगा। और भाई काफ़ी मस्त लगा मेरे को ये। तो भाई हमारा 4th पॉइंट आ जाता है फिंगरप्रिंट। भाई इसका फिंगरप्रिंट इतना फास्ट है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, जैसे आप लोग टच करते हो ना भाई ये ओपन हो जाता है। इतना फास्ट फिंगरप्रिंट मैंने पहले कभी नहीं देखा, लेकिन ऐसे देखा भी है लेकिन काफ़ी फास्ट फिंगरप्रिंट है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे इसका LED ओपनिंग से लेकर फिंगरप्रिंट तक, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ LED ओपनिंग करके, और इसके बाद हम लोग फिंगरप्रिंट यहाँ पे टच करेंगे। और अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो लॉक है और ये काफ़ी जल्दी ओपन हो चुका है, मतलब स्क्रीन आ चुका है जैसे हम लोगों ने LED का ओपन किया। और इसका राइट में यहाँ पे फिंगरप्रिंट है, आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो, लिखा भी आ रहा है यहाँ पे अनलॉक विद टच ID। तो अभी हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे भाई ये देखना कितनी फास्ट ओपन हो जाता है। ये क्लिक भी कर सकते हैं, टच भी है, दोनों चीज़ है। मैं एक बार यहाँ पे जल्दी से इसको टच कर देता हूँ, देखते हैं भाई। देखो जैसे ही हम लोगों ने इसको टच किया और ये इतना फास्ट ओपन हो जाता है। हम लोग एक बार और ट्राई करते हैं, इसको लॉक कर देते हैं आपसे लॉक स्क्रीन, और फिर से एक बार हम लोग ट्राई करते हैं यहाँ पे टच। भाई मतलब काफ़ी फास्ट ओपन है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जैसे आपका लैपटॉप लॉक है और आप इसको फिंगरप्रिंट से काफ़ी फास्ट ओपन कर सकते हो। भाई काफ़ी मस्त लगा मेरे को दोनों ऑप्शन, LED वाला भी और यहाँ पे टच स्क्रीन वाला भी। तो यहाँ पे 5th पॉइंट आ जाता है टच बार। काफ़ी लोग बोलते हैं टच बार तो यार यूज ही नहीं करता कोई, क्या ही फ़ायदा, मतलब टच बार दे दिया 1-2 मैक में क्या फ़ायदा इसका। लेकिन यार मैं अपना पर्सनल बताता हूँ कि मैं टच बार यहाँ पे यूज करता हूँ, मेनली इन चीज़ों के लिए तो मैं यूज कर ही देता हूँ। वॉल्यूम हो गया यहाँ पे, या फिर आपको ब्राइटनेस वगैरह बढ़ाना है, या फिर आपको म्यूजिक स्टॉप करना है, तो इन चीज़ों के लिए तो भाई यूज हो ही जाता है। अभी मैं आपको अच्छे से यूज दिखाता हूँ इसका, काफ़ी मस्त है यार टच बार। आप लोग यार अभी इमोजीज वगैरह भी यूज करते हैं ना, मतलब आपको कीबोर्ड में देखने के लिए नहीं मिलता इमोजी एकदम से, कहाँ से यूज करें हम लोग, टाइप कर रहे हैं और इमोजी चाहिए आपको एकदम को, इमोजी टच बार में देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर आप लोगों को इमोजी यूज करनी है तो ये मेरे को मस्त लगा, आप लोगों को भी दिखाता हूँ। चलो तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं भाई टच बार कितना प्यारा लग रहा है, और अभी यहाँ पे लिखा भी आ रहा है अनलॉक विद टच आईडी, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा यहाँ पे। और अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फीचर यहाँ पे चेंज हो चुके हैं, यहाँ पे क्रोम का साइन आ चुका है, यहाँ पे इसको बुकमार्क के लिए ऐड करने के लिए यहाँ पे न्यू टैब के लिए आ चुका है, ये ब्राइटनेस का ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जैसे इसे कम ज़्यादा करेंगे तो उसका ब्राइटनेस कम ज़्यादा यहाँ पे हो जाएगा, तो उसको यहाँ पे बंद करते हैं। साउंड यहाँ पे इसको म्यूट कर सकते हैं एकदम से यहाँ से, और साउंड अगर इसका कम ज़्यादा करना है तो यहाँ पे साउंड के लिए है, मतलब काफ़ी प्यारे सारे ऑप्शंस हैं भाई यहाँ पे। और जैसे अभी हम लोग यहाँ पे इसमें सॉन्ग चलाते हैं, चलो साउंड कम कर लेते हैं हम यहाँ पे इसका, और आप जैसे इस पे एरो पे क्लिक करोगे ना भाई कितने सारे ऑप्शंस यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर आप लोगों को यहाँ पे सॉन्ग स्टॉप करना है तो स्टॉप हो गया यहाँ पे, नेक्स्ट करना है, बैक करना है, सब कुछ यहाँ से इसको इनेबल हो जाता है। तो भाई इतने सारे फीचर्स यहाँ पे, सीरी का भी ऑप्शन आ रहा है, तो इतने सारे फीचर्स हम लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं इसकी टच बार में। तो अभी भाई लास्टली उन 2 पॉइंट की बारी आ चुकी है जो काफ़ी मज़ेदार रहने वाले हैं, आपको मतलब काफ़ी मज़ा आ जाएगा भाई देख के। अभी काफ़ी सारे लोग माउस यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट करते हैं, वो चीज़ अलग है हो जाती है, लेकिन भाई इसके माउस के ट्रैक पैड में इतने सारे फीचर्स हैं ना कि आप लोगों को एक बार को लगेगा कि माउस यहाँ पे अलग से अटैच करने की ज़रूरत ही नहीं है, इतने सारे फीचर्स यार। मतलब
विंडोज में होते तो भाई अलग ही मजा आया था, लेकिन विंडोज में हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिलते। अभी इसके ट्रैकपैड में हम लोग आपको फीचर्स दिखाते हैं, इतने मस्त फीचर्स है, तो अभी आओ चलो देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं, जैसे आप लोगों को पता होगा कमांड और टैब से यहाँ पे ये चीजें चेंज होते हैं, मतलब आपको क्रोम पे जाना है, आपको ऐप स्टोर पे जाना है, तो यहाँ पे इन बटन से यहाँ पे चेंज होती है ये चीजें। ये विंडोज में भी हो जाती है, लेकिन इसके ट्रैक पैड का हम लोग देखते हैं। यहाँ पे थ्री फिंगर हम लोगों को यूज करना है, और जैसे आप लोग यहाँ पे थ्री फिंगर टच करोगे और यहाँ पे मूव करोगे ऐसे, मतलब आप लोग देख सकते हो कितना जल्दी यहाँ पे हम लोग चेंज कर सकते हैं एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे। तो भाई कैसा लगा आप लोगों को ये कमेंट करके जरूर बताना। अभी हम लोग इसका नेक्स्ट फीचर की साइड चलते हैं। अगर आप लोगों को बैक करना है तो आप लोगों को केवल दो फिंगर यहाँ पे यूज करना है, यहाँ पे दो फिंगर और मतलब टच करके स्लाइड राइट बैक, तो ऐसे यहाँ पे इसमें बैक हो जाता है भाई। तो अभी हम लोग नेक्स्ट फीचर का बात करते हैं। अभी जैसे कि आप लोग माउस यूज करते हैं, तो माउस में तो भाई आराम से आप स्क्रॉल करते हो और उसमें हो जाता है, लेकिन इसमें कैसे करें भाई ये चीज़, यहाँ पे ट्रैक पैड से भी पॉसिबल है, ओनली टू फिंगर्स और यहाँ पे ऐसे मूव ऊपर की साइड ले जाना, ऊपर की साइड, इस साइड ले जाना, मतलब ऐसे बैक भी हो जाता है। लेकिन कुछ चीज़ आप लोगों को पता है, जैसे अभी हम इसको एक बार जूम करते हैं, कुछ चीज़ मैं दिखाता हूँ, ठीक है। अभी ये जूम हो गया, आपको अभी राइट की साइड देखना क्या है, अभी राइट की साइड आप ऐसे मूव कर सकते हो, लेफ्ट की साइड देखना ऐसे मूव कर सकते हो, तो भाई बैक भी हो जाता है वो चीज़। आप अच्छे से इसको यूज कर सकते हो टू फिंगर के साथ, मतलब काफ़ी मज़ा आता है ऐसे फटाफट ऊपर नीचे स्लाइड करते रहो उस तरीके से। लेकिन भाई जो इसमें डबल क्लिक होता है ना, वो डबल क्लिक भी भाई इसमें टू फिंगर से ही होता है। अगर आप लोग वो डबल क्लिक करना है तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इंस्पेक्ट वगैरह सब ऑप्शन आ चुके हैं। जैसे कि आप लोगों को इसको न्यू टैब में ओपन करना है, तो इसको आपको डबल फिंगर से इसको क्लिक करना पड़ेगा, तो ओपन इन लिंक इन न्यू टैब, तो आप ऐसे यहाँ पे इसका राइट क्लिक यूज कर सकते हो, जैसे राइट क्लिक होता है ना उसमें माउस से, तो ऐसे इसमें राइट क्लिक होता है डबल क्लिक करने से। और भाई सिंगल क्लिक तो नॉर्मल ही, आपको केवल एक बार क्लिक करना है फिंगर से, तो वो तो नॉर्मल ही आपको हर जगह वो सेम ही काम करता जाता है। इसमें टच नहीं है, मतलब आप ऐसे टच करोगे ना इसमें तो वो चीज़ इसमें यहाँ पे काम नहीं करेगी, आपको यहाँ पे क्लिक करना ही होगा। तो भाई लास्ट पॉइंट यहाँ पे आ जाता है इसका परफॉर्मेंस, मतलब यार मेनली मैकबुक लेते हैं यार परफॉर्मेंस के लिए, कि अच्छा चले, फास्ट चले, कोई भी चीज़ उसमें रुके ना, कोई भी सॉफ्टवेयर उसमें रुके ना, हम लोगों को एडिटिंग करना वो अच्छे से हो जाए, फास्ट हो जाए, गेमिंग करनी वो भी हो जाए, मतलब मेनली परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पे चीज़ें लेते हैं। तो हम लोग भी यहाँ पे देखने वाले हैं यहाँ पे परफॉर्मेंस यहाँ पे प्रीमियर प्रो के साथ कैसी है, मतलब मैंने तो एडिटिंग के लिए लिया है थोड़ा, कि मैं कहीं बाहर जाऊँ तो वहाँ पे भी मेरा एडिटिंग वर्क ना रुके, प्लस और भी चीज़ें, मतलब वो तो मेनली चली रहता है कि आपको जो करना है वेबसाइट वगैरह, आपका जॉब वगैरह, वो तो सब चलता ही रहेगा। लेकिन एक ऐसा टास्क होता है जो आप नॉर्मल लैपटॉप्स में नहीं कर सकते, मतलब ये हो गया आप इसमें नहीं कर सकते भाई, एडिटिंग में बता रहा हूँ। तो उसके लिए यार कहीं ना कहीं एक यहाँ पे पीसी लेना पड़ता है आपको, या फिर आपको एक मैकबुक लेना पड़ता है, तो एक टास्क ऐसा आता है जो आपको इम्पोर्टेंट होता है, तो वही मैंने सोच के यहाँ पे एडिटिंग के लिए लिया। और अभी मैं कहीं भी बाहर जाऊँ तो आराम से एडिटिंग करता हूँ। और अभी आप लोगों को बताऊँ, मैं यहाँ पे मैंने पीसी बनवाया था, मतलब काफ़ी अच्छे से बनवाया था, इसमें राइजन वगैरह का प्रोसेसर है, 4GB का ग्राफिक्स कार्ड है और 16GB मेमोरी है इसमें। और इसका कंपैरिजन हम लोग यहाँ पे मैकबुक से करें तो यहाँ पे भी हम लोगों को काफ़ी डिफरेंस देखने के लिए मिल जाता है। अगर मैं आपको थोड़ा एडिटिंग से लेकर चीज़ें बताऊँ, मतलब अगर आप लोगों को एडिटिंग का पता है, प्रीमियर प्रो आप लोगों ने यूज किया है, तो आप मेरी बात अच्छे से रिलेट कर पाओगे और समझ पाओगे। अभी जैसे हम लोग वीडियो शूट करते हैं उसमें थोड़ा स्टेबल हमको नहीं दिखती वो वीडियो, तो हम उसके लिए एक इफेक्ट यूज करते हैं, वार्प स्टेबलाइजर, वो वीडियो को स्टेबल कर देता है और सबसे हैवी इफेक्ट होता है एक तरीके से। अगर मैं एक मिनट की क्लिप पे पीसी से उसको लगाता था वो आराम से 4-5 मिनट लेता था, अगर मैं वही यहाँ पे 1 मिनट की क्लिप से अपनी मैकबुक से लगाऊं तो वो केवल 1 मिनट तक लेता है। यहाँ पे मेरे को डिफरेंस भाई अच्छे से देखने के लिए मिला, मतलब प्रीमियर प्रो में इतना अच्छा चलता है मैकबुक में कि कहीं पे भी लैग देखने को नहीं मिलता, प्लस जो रेंडरिंग कर रहे हैं या फिर आप लोग इफेक्ट्स यूज कर रहे हैं उनको हम लोगों को टाइम सेव करके देता है। मतलब रेंडरिंग भी आप अगर पीसी में करते हो वही 5 मिनट की रेंडरिंग आपको 2 मिनट में देखने के लिए मिल सकती है, 1 मिनट में देखने के लिए मिल सकते हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपका टाइम सेव करता है मैकबुक काफ़ी अच्छे से। और भाई मैं आप लोगों को एक मज़ेदार चीज़ बताऊँ, इसमें मैंने 7 दिन का ट्रायल वर्जन लिया था, वो भी एक साइड वाले तरीके से, तो वो मैं अभी तक यूज कर रहा हूँ 30 दिन से,
तो अभी तक तो चल ही रहा है, देखते कब तक मेरा चलता है, वरना फिर भी कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेंगे, जैसे हम लोगों ने विंडोज में हम लोग निकाल लेते हैं। तो चलो यार इस वीडियो में इतना ही, अगर आप लोगों को कोई वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कर सकते हैं और चैनल हमारा सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।